नमस्कार, मैं रंजन सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। खबर आ रही है बिजनौर के क्षेत्र धामपुर से। धामपुर में आशा बहु कल्याण समिति द्वारा उप जिलाधिकारी धीरेन्द्र कुमार सिंह को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें आशा बहुएं कोरोना राहत कार्य करने में असमर्थ हैं। आशा रुचि चौहान ने बताया कि कोरोना राहत कार्य करते हुए एक आशा कार्यकर्ता का निधन हो गया है। वह 2 माह से कोरोना कार्य में सम्मिलित थी, जिसका सरकार में प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया और न ही कोई सहायता उनके परिवार को पहुंचाई। इस संदर्भ में हमारी मांग है कि यदि अब हमारी किसी आशा बहन के साथ इस तरह की घटना घटती है तो उनकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आशा कार्यकर्ता रुचि चौहान ने संगिनी द्वारा 1,000 रुपए की अवैध वसूली करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने बताया कि मानदेय लेते समय हमसे 1,000 रुपए की अवैध वसूली की जाती है। उन्होंने चेताया, यदि इस पर अंकुश नहीं लगा तो हम आंदोलन करने को बाध्य होंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि क्या 2 मास्क और 1 ग्लव्स से 2 महीने तक एक आशा कार्यकर्ता कार्य कर सकती है। आज SDM कोर्ट में दर्जनों आशा कार्यकर्तियों ने इकट्ठा होकर अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और कार्य बहिष्कार किया। उन्होंने कहा, यदि किसी आशा कार्यकर्ता की मौत होती है तो उसको 50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। धामपुर से हमारे संवाददाता दिनेश कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। आपका? मेरा नाम रुचि चौहान है। रुचि जी, आज उप जिलाधिकारी धामपुर को एक ज्ञापन सौंपना है, क्या है पूरा मामला? सर, ये जो पूरा मामला है, ये जो हमारा COVID-19 का सर्वे चल रहा था, हमारा जो हमें डोर टू डोर पर डे करना पड़ रहा था, उसका हमने कार्य बहिष्कार किया है। उस विषय में ही हम अपने उप जिलाधिकारी जी को ज्ञापन सौंपने आए हैं, क्योंकि ये पर डे का जो हमसे निरंतर कराया जा रहा था 25 मई तक तो हमने सर्वे किया है, लेकिन उसके बाद में हम इसका बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हमें कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई है। 2 मास्क 2 जोड़े ग्लव्स देख के हमें टलका दिया गया है, और हमारी सरकार से मांग है कि क्या हमारे स्वास्थ्य की इतनी ही कीमत है, बस 2 मास्क से ही हम 2 महीने परमानेंट ड्यूटी कर सकते हैं। और हम जो है अब ये बिल्कुल भी घर डोर टू डोर सर्वे नहीं करेंगे। वो 1,000 रुपया क्या मामला है? ये हमसे जो हमारा मानदेय डाला जाता है उसमें से हमसे मानदेय का है, हमारा जो है पैसा जो भी कमीशन बेस पे हमें रखा गया है, वो पैसा हमारा जब डाला जाता है तो उस पर हमसे पैसे की मांग की जाती है। अभी भी हमसे 1,000 रुपये मांगे गए, संगनियों के माध्यम से बात कर रहे हैं। यदि किसी की मृत्यु होती है तो उसे 50 लाख का बीमा होना चाहिए। अगर हमारी जो आशा बहुएं हैं, हम जो अपने क्षेत्र में जो सर्वे कर रही हैं, अगर इस दौरान किसी भी आशा बहु की मृत्यु होती है तो उसका 50 लाख का उसे मुआवजा दिया जाए, ऐसी हमारी सरकार से मांग है। और प्रतिदिन जो हमारा ये सर्वे चल रहा है, इसके लिए हमें उचित जो है हमारा मेहनताना हमें दिया जाए। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।